नमस्कार, न्यूज़लीक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना, ना देने पर 3 महीने की जेल। कोविड-19, दिल्ली में गहराता भोजन संकट, सरकार ने बंद किए ई कूपन। देश में आज फिर से 78,000 से अधिक नए मामले, एक दिन में 971 मरीजों की मौत। हमारी जो पहली खबर है वह प्रशांत भूषण के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए अधिवक्ता एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण पर सोमवार को सजा के रूप में 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना किया और अदा न करने की एवज में 3 महीने की जेल या फिर 3 साल की प्रैक्टिस पर रोक का फरमान सुनाया है। न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और 3 साल तक उनके वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी का इस मुद्दे पर। दिनेश जी, जो सबसे उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है, जो न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी उनके साथ न्यायाधीश बी आर गवाई और कृष्णा मुरारी, इन्होंने तो प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया। उन्होंने बोला दोष सिद्ध। आज का बात था कि आप उसको सजा क्या दें। पहले ही आपने बता दिया कि इन्होंने ही इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अदालत की अवमानना इन्होंने किया। तो जब सजा दिया, बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे, 1 रुपया का सजा मिला। और ये कहा कि अगर आप ये सजा नहीं देंगे 3 महीना के अंदर, आप 3 महीना आपको जेल के अंदर कारागार में जाना पड़ेगा और आप जो वकील है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे 3 साल, ये सजा हो सकता है। मगर इससे पहले प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि सबसे उच्च न्यायालय जो सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरा विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज इसमें आप शायद मिस कर गए, वो ये है कि सजा अभी शुरू नहीं होगी। सजा अभी अबेयंस में रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी जब तक कि उनका शायद रिव्यू एप्लीकेशन है पेंडिंग, वो कंसिडरेशन ना हो जाए, या कोई एप्लीकेशन थी जिसको रिकंसिडर होना। अब अगर मसले पे जाते हैं तो देखिए, कन्विक्शन तो हो गया 14 अगस्त को और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग वर्डेड है कि आपने कंटेम्प्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब कुछ देखते हुए एक बहुत ही तंग रास्ता था जिसको कि वो तय कर सकते थे, या तो उसको सीरियस पनिशमेंट देते इन कीपिंग विद द फाइंडिंग कि कंटेंट सीरियस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक मिडिल पाथ ढूंढना पड़ा है, क्योंकि प्रेशर जो है पब्लिक ओपिनियन का, लॉयर्स का और अदर जो बुद्धिजीवी थे दूसरे, उनका प्रेशर बहुत था बाहर से। कुछ रिटायर्ड जजेस और में भी हमारे ख्याल से सिटिंग जजेस का भी रहा होगा, तो उस प्रेशर को देखते हुए एक ये मिडिल पाथ निकाला गया है। अब सवाल ये है कि अगर आपने कन्विक्शन कर दिया है पर आप पनिशमेंट न दें तो शायद ज्यादा ज्यादा गैरवाजिब होगा, क्योंकि फिर कन्विक्शन ही क्यों किया था अगर पनिशमेंट नहीं देना है। लिहाजा कन्विक्शन होने के बाद पनिशमेंट तो होना ही था। अब सवाल ये थे कितना कम पनिशमेंट हो या कितना ज्यादा हो, तो सारा कुछ प्रेशर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बीच का रास्ता निकाला है कि कम से कम पनिशमेंट दे, वो भी टोकन पनिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं कि 1 रुपए का लगा दिया। दिनेश जी, सवाल उठते हैं कि सबसे उच्च न्यायालय कहा कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी का बात मान लिया कि वो सचमुच अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। और वेणुगोपाल जी कहा कि इनको
एक एक वार्निंग देके जाने दीजिए, एक तरह से एक आप सानियामित कर दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। मगर प्रशांत भूषण जी का जो वकील थे, वरिष्ठ वकील थे आपका राजीव धवन जी, उन्होंने कहा कि ये आप जबरदस्ती के साथ किसी को माफी आपकी मांग, और प्रशांत भूषण जी ने खुद कहा कि आप जो भी सजा दीजिए मैं मानने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी, यानी कि बिना शर्त के माफी मांग, ये प्रशांत भूषण तैयार नहीं था। तो इसके मतलब किस तरह से लोग देखेंगे ये जजमेंट को? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप वाइडर सीन लेंगे और पर्सपेक्टिव लेंगे तो ये रास्ता हमारे हिसाब से माकूल था, सही था। कारण यह है कि आप ज्यादा पनिशमेंट करना नहीं चाहते हैं, कन्विक्शन कर चुके हैं जिसका रिव्यू बाद में कंसिडर होगा, अभी तो होगा नहीं, तो लिहाजा सवाल ये उठता है कि अगर आप कन्विक्शन करके और फिर पनिशमेंट न दे तो फिर ये प्रश्न उठेगा जरूर कि कन्विक्शन ही क्यों फिर। मगर लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी कुछ देखते हुए एक मिडिल का रास्ता निकाला जिससे कि वो भी बच गए और प्रशांत भूषण के लिए भी आसान हो गया बाहर निकलना। प्रशांत भूषण कह ही चुके हैं कि हम पनिशमेंट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो एक रुपए का पनिशमेंट पे कर देगा, खत्म हो गई बात। देश में कोरोना वायरस अनलॉक की प्रक्रिया 2 महीने से जारी है। इस बीच राजधानी दिल्ली में खाने का संकट जोर पकड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शुरू की अपनी ई कूपन की योजना बंद कर दी है, जिसके तहत लोगों को मुफ्त राशन मिल जाता था। न्यूज क्लिक ने जगदम्बा कैंप के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से बात की। उन्होंने बताया कि खाने के संकट इतना बढ़ गया है कि वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खा पा रहे हैं और वह और बच्चे काली चाय पीने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम रानी है, मेरा हस्बैंड की डेस्ट हो गई, मेरे बाकी लड़के की भी डेस्ट हो गई। मैं रहते हैं बहू हमारी बच्चे छोड़ के चली गई मेरे ऊपर फेंक के। अब मैं कैसे खा पाऊँ, कैसे क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। मेरा बेटा बोला, मम्मी अब हमें यही काली चाय पिलाओगे क्या? मम्मी मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा। मैंने बहुत करी, कपड़े फट गया था। बोला मम्मी मुझे कपड़े दिला दो। मैं बोली बाबू रुक जाओ, अभी काम धाम नहीं, खाने को मिल जाए यही बड़ी बात है, कपड़े कहाँ से लाऊं? पहले तो कमाते थे 10,000, अभी काम नहीं है, अभी 3,000 कमा रही हूँ। घर किराए 2,500 है, 2 बच्चा को खिलाने नहीं पाती हूँ, पैसा नहीं है। हम तो अकेले काम करते हैं, 2 बच्चे हैं, आदमी कर काम कर सकते नहीं है, एक हाथ एक पैर चलता नहीं है उसका। पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जोर पर है। पिछले 2 महीनों से सरकारों ने इस बात पर दबाव दिया है कि चीजें सामान्य हो रही हैं, पर क्या वो आखिर सच में सामान्य हो रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं जगदम्बा कैंप में, जो दिल्ली में है, उसके काफ़ी लोगों से, जो हमें बताएंगे यहाँ के खाने के संकट के बारे में। सरकार की अहम नीतियाँ जैसे कि ई कूपन द्वारा मुफ्त राशन मुहैया करवाना और मिड डे मील्स की जो उनकी स्कीम थी उस पर सरकार ने ताले लगा दिए हैं और चुप्पी साध ली है। जबकि ई कूपन्स फिर भी लोगों को मुहैया करवाए जा रहे हैं पर राशन का कोई अता पता नहीं है। आज हम जानेंगे लोगों से कि इन हालात में वो किस तरह से राशन का इंतज़ाम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जो जिसमें उनको किराए का संकट है, जिसमें उन्हें जॉब्स का संकट है, उसके साथ वो कैसे जूझ रहे हैं और खाने के संकट से वो कैसे डील कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे को, तो जब से लॉकडाउन लगा है जब से बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं भी काम करती थी, मेरे घर वाले स्कूल में काम करते थे, स्कूल कॉलेज बंद हो गई, उनका भी काम छूट गया, मेरा भी काम छूट गया। मैं कोठी में काम करती थी, उनको 10,000 तनख्वाह मिलती थी, उसमें से अब नहीं, सॉरी गलती हो गई, 10,000 नहीं, 9,000 तनख्वाह मिलती थी, तो 9,000 में से आधा हो गया उनका, अब नहीं मिल रही है। काम कर जाते इतने दिन के पैसे मिलते, नहीं मिलते, अब बंद है सारा। अब खाने के लिए बड़ी मजबूरी हो रही, किराए पर मकान है हमारा, किराए पर रह रहे हैं, क्या करें। सरकार से यही चाह रही हूँ राशन वोशन जैसे मिल जाएगा तो और अच्छा, थोड़ा चल भी जाएगा घर। अभी तो वैसे हम लोग इतने परेशानी में हैं, क्या बताएं।
अरे इधर उधर ले दे के करी हूँ उधार, जैसे जो राशन ले आते हैं उनसे उधार भी ले ली हूँ, पैसे भी नहीं दी हूँ। जितने लोगों के राशन कार्ड हैं उन लोगों को तो 71 लाख लोगों को हम प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन बटना चालू हो गया दुकानों पे। जिनके राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब हैं उनके लिए आज मैं हम ये सोच रहे थे उनको कैसे राशन दें, उनको कैसे चिन्हित करें, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही आदमी बार बार आके राशन ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड पे भी ले लिया और अब यहाँ पे आके भी ले लिया। तो उसका पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है और लगभग मोटे मोटे तौर पे हमें लगता है कि 10 लाख ऐसे लोग और हो सकते हैं जिनको, जो गरीब हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो राशन लेना चाहेंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जो राशन लेना चाहते हैं और जो गरीब हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके तुरंत अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, MLA की हम मदद ले सकते हैं, किसी की भी अपने आसपास की मदद ले सकते हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। उससे राशन कार्ड मिलेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक हर महीने आपको राशन मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें आप, और जितने लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कार्ड ना होते हुए भी हम लोग उनको राशन देंगे। जो ई कूपन प्रणाली लाई थी उसके तहत ये था कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है और वो दिल्ली में रह रहे हैं वो राशन ले सकते हैं। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन का, ई कूपन के लिए आवेदन करा और बहुत सारे लोगों का ई कूपन देर सवेरे आया और लोगों को राशन मिला। अब इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। पहली तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ई कूपन का आवेदन किया, उनका ई कूपन का ना तो अभी तक उनका कोई ई कूपन आया। और एक और चीज़ हो रही थी कि जब हम उनका ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर रहे थे तो उस पर या तो अप्रूव्ड दिखाता है या दिखाता है आत्मनिर्भर भारत। जी बीच में तो बिल्कुल था, जब एकदम लॉकडाउन तगड़ा लगा था तो घर में कुछ भी नहीं था, तो एक बगल आटा पिसवाए से उनके घर से मैं मांग के लाई हूँ, तो उसने मेरे को एक इतनी बड़ी बाल्टी थी भर के आटा दिए, ले जाओ बच्चों को खिलाओ। अभी तो नहीं मिल रहा ढंग के, न उनको कुछ फल फ्रूट आ रहा, न कुछ खाने को रोटियाँ नहीं जुड़ रही, तो कहाँ से फल फ्रूट लाएं। कूपन वाले राशन 2 बार मिला था, उसके बाद तो कुछ मिला ही नहीं। फिर वही काम करके जो होता है वही खरीद के जो भी जैसे है 2 बच्चा को पाल रही हूँ। ई कूपन के 2 राउंड्स चले हैं, कुछ लोगों को 2 बार मिला है और बहुत सारे लोग हैं जो केवल 1 बार ही ले पाए हैं क्योंकि उनका ई कूपन देर से आया और जब तक उनको पहली बार ही मिला तब तक ई कूपन का सिस्टम बंद हो चुका था। तो इस समय पर बहुत ज़्यादा लोगों में डेस्पिरेशन है क्योंकि कहने को लॉकडाउन खुल गया है लेकिन वो लॉकडाउन इस महीने में नहीं खुला है, ना तो लोगों की नौकरियां आई हैं, ना लोगों को काम मिल रहा है और सबसे बड़ा सवाल ना लोगों को ठीक प्रकार से भोजन मिल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सरकार राशन की व्यवस्था उनके लिए सुनिश्चित करती है तो वो अपनी और चीज़ों के लिए सोच पाएंगे, लेकिन जब उनके पास राशन ही नहीं है तो वो पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं। और 2 बार देने के बाद अब हम जैसे देख रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें दिसंबर तक राशन मुफ्त में मिलने वाला है, लेकिन अब ये जो ई कूपन वाले लोग हैं वो अब कहाँ जाएं? 2 महीने के बाद 2 राउंड मिलने के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि जुलाई में उन्हें राशन की ज़रूरत नहीं है, अगस्त में उन्हें राशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अभी भी राशन की उतनी ही ज़रूरत है। तो ये जो एक समझ बनाई जा रही है कि अब लॉकडाउन खुल गया और सब कुछ सामान्य हो गया है वो बिल्कुल गलत है। बच्चे स्कूल में जाते थे तो 3 टाइम वो 1 टाइम मतलब खाना मिल जाता था, तो अब घर में मतलब बनाते हैं खाना लेकिन नहीं पूर्ति पड़ पाती है इतनी, जैसे अच्छे खासे वहाँ पे खाते थे तो थोड़ा बहुत घर पे भी खा लिया थे। 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, 2 बच्चों का पैसा आया, 1 बच्चों के नहीं आया। बच्चे स्कूल जाते थे तो 3 बच्चे खाना पा जाते थे तो कुछ हमारी समस्या हट जाती थी, अब तो परेशानी मेरी चल रही। सरकार ने अब स्कूलों में जो पका हुआ भोजन मिल रहा था लॉकडाउन के दौरान वो भी बंद कर दिया, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे अभी हमने सुना रानी जी और भी कई सारे ऐसे लोग,
वो लोग वहाँ से पका हुआ भोजन लेकर खा लेते थे, अब वो लोग भी वो भोजन लेकर नहीं खा सकते हैं क्योंकि बस्तियों में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ड्राई राशन चाहते हैं, पर ऐसा भी बहुत बड़ा तबका है जो कुक्ड मील चाहता है, पका हुआ भोजन, ताकि वो खा ले, अपने बच्चों को फीड करा दे। तो उन लोगों के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो भोजन के अधिकार पर एक बहुत बड़ा सवाल और निशान बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 31 अगस्त सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से 78,512 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 971 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 5 दिनों में प्रतिदिन औसतन 77,354 नए मामले सामने आए हैं और 1,004 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 60,868 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 36,21,245 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 76.62% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 27,74,801 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 64,469 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,81,975 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 4,23,07,914 सैंपल की जाँच की गई, जिनमें से 8,46,278 सैंपल की जाँच बीते 24 घंटों में ही हुई। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।